आज मैं बना रही हूँ शापू की सब्जी। उसमें थोड़ा सा दाल डालूंगी और काजू और गांठिया की सब्जी, गुजराती स्टाइल से रेसिपी सीखी थी मैंने, वो बनाऊंगी आज। अभी दोनों गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल डाल दिया है। एक तरफ मेरी बेटी इसकी चावल की रोटी बना रही है, हम लोग शापू के साथ खाएंगे, अच्छी लगेगी। इसमें मैंने काजू फ्राई कर लिए थोड़े, क्योंकि फ्राई करके डालने रहते। उसमें अदरक मिर्च लहसुन का सब मसाला डाला है, हरा मसाला ही डालना पड़ता है, इसमें रेड नहीं डालते हम लोग। और दाल डाल दिए, थोड़ी देर में उसको ढक के पकाएंगे। तो पानी नहीं डालने का, क्योंकि पानी डालेंगे तो उसमें फिर वो अलग दाल बन जाएगी, हम लोग को सूखी चाहिए, इसलिए इसमें पानी नहीं डाला है और ढक के रख दिया। वो अपना पानी खुद ही छोड़ेगा और उसमें पक जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहने का। और इधर मैंने ये इसकी भी तैयारी कर ली, इसमें भी लहसुन नहीं डाला है, खाली अदरक और मिर्ची का पेस्ट दरदरा करके डाला है, और प्याज, और ये टमाटर प्यूरी डाल दी। और ये धीरे धीरे पकेगी, फिर उसके बाद इसमें अपने को चाहिए उतना पानी डालेंगे और फिर ग्रेवी बनेगी। और फिर फ्राई किए हुए काजू डाले, काजू डालने के बाद उसको ढक दिया थोड़ी देर। और फिर उसमें पकने के बाद, पूरा पकने के बाद ही गाठिया डालना है। पहले डालोगे तो वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, या तो फिर खाने से पहले डालो, क्योंकि हम लोग अभी खाने ही वाले थे इसलिए मैंने गाठिया डाला है। तो जस्ट बंद कर दिया गैस, गाठिया डाल दिया और ऊपर से कोतमीर, हरा धनिया बोलते हैं ना, वो डाल दिया और गैस बंद किया हुआ है, बस हो गया। और ये है हमारी थाली, गुजराती और मराठी मिक्स थाली। और फिर मिंत्रा से मैंने बच्चों के लिए कपड़े मंगाए हैं दिवाली की, अभी क्योंकि सेल लग रही है ना, मिंत्रा पे सेल चली है ना, तो अभी मंगवाया। मैं आपको पूरा ब्लॉग में सब दिखाऊंगी मैंने क्या क्या मंगवाया, ये तो मैं ऐसे ही थोड़ी क्लिप डाली हूँ, लेकिन पूरा ब्लॉग देखना, मैं सब दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारे कपड़े मंगाए बच्चों के लिए। आज है गुरुवार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह की राम राम। अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी नाश्ते के लिए, और टिफ़िन बॉक्स के लिए मैं भिंडी बनाऊँगी, तो वो थोड़ा पहले ये बना दूँ मैं, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ, 7 बजा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खा के जाना है, इसलिए मैं अब पहले खिचड़ी बना देती हूँ, बाद में मैं खाना बनाऊँगी टिफ़िन के लिए। और अभी बना रही हूँ भिंडी। भिंडी भी मैंने वो ट्रायंगल शेप में कैसे तो भी काटी है, बोलते इस बच्चे लोग बोलते हैं कि ऐसे काट के और टेस्टी बनती है, तो देखते हैं कैसी बनती है, लेकिन अच्छी बनी थी, मस्त बनी थी सब्जी। ऐसे काटते हैं तो इसमें पूरी में मसाला चला जाता है, तो टेस्ट अलग आता है इसका, टेस्टी बनती है ऐसे, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। अभी एक गैस पे भिंडी बना रही हूँ और एक पे चाय रखी है, क्योंकि बच्चे तो लेट नाश्ता करते हैं ना, 8:30 बजे तक करते हैं, तो चाय दोबारा बनती है। और ये मैं प्यारी सी मुस्कान के साथ, कैसे हो दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब भी, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी मैं रोटी बनाऊंगी, आटा मैंने लगा दिया है, अभी थोड़ी देर बाद रोटी बनाऊंगी, फटाफट सेक के टिफिन पैक कर दूंगी इनको।
ये है मेरे नाश्ते की प्लेट। बच्चे चले गए, टिफिन दे दिया, अभी मैं नाश्ता करने को बैठी हूँ। मैंने हरे धनिए की चटनी ली है क्योंकि मुझे ऐसे बिना चटनी के अच्छी नहीं लगती। और फिर दोनों माँ बेटी लग गए काम पे। अभी आज किचन की एकदम डीप क्लीनिंग करेंगे क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं, तो फिर धीरे धीरे कर लेंगे तो अच्छा है। वैसे भी हफ्ते में एक दो बार तो हो ही जाता है, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, साफ करेंगे। तो ये सब साफ करके जमा दिया अच्छे से, और फिर बाद में मेरी बेटी ने कर लिया फ्रिज साफ पूरा। हमारे फ्रिज में अब तक लाइट नहीं आई है। ये सब काम हुआ है, पौने दो हो गए, अभी खाना खाने को बैठे हैं। हमारी थाली में है आज मैंने अभी बनाए पराठे और भिंडी की सब्जी, और ये रात की दाल पालक है, ये हमने गरम करके ले ली, अच्छी लगती है पराठे के साथ। और ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी है, और ये पतली सी छाछ। अभी मैं खाना खाऊंगी, आ जाओ सब लोग खाने को।